हेलो ड्यूडस, आज हम एनसीसी को ट्रेड करें। एनसीसी के अंदर हमने अपनी पोजीशन बनाई थी 100.70 पर, स्टॉप लॉस 101.30 एंड टारगेट जो हमने इसके अंदर लगा करके रखे हुए 98.25 पर हमें सारी क्वांटिटीज को बुक करना है। सो मे बी प्राइस अभी यहां तक, हमें पूरा यकीन है कि प्राइस इस लेवल तक आना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पर इसके अंदर जो सेटअप बने थे, ये हमारा डे टाइम फ्रेम है। यहाँ पर देखिए एक हाई वॉल्यूम की कैंडल बनी, हमने इसका जस्ट हाई मार्क कर लिया। जब तक प्राइस ने एक हैवी हाई वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, तब तक प्राइस ऊपर की तरफ नहीं गया और ये पूरी तरह से हमारा साइडवे मूव दिखाया। और जैसे एक हैवी वॉल्यूम के साथ प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, हमने जस्ट उस हाई कैंडल के पास से अपना ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। बिकॉज अगर ये स्ट्रांग होता तो यहां से ऊपर की तरफ चला जाता, वापस से प्राइस हमारी इस हाई वॉल्यूम कैंडल के अंदर आकर के ट्रेड नहीं करता। एंड यही हमारी सिंपल सी एनालिसिस है एनसीसी को ट्रेड करने की। सो इसके अंदर इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है 9900 के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है, उसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो 9625 रुपीज का प्रॉफिट है, विच इज इनफ। एंड अभी भी हम वेट करें अपने प्रॉपर टारगेट का। सो जैसे हमको हमारा टारगेट मिलता है आपको इन्फॉर्म करते हैं।